प्रीतम ने दरवाजा बंद किया। वो कुछ ही कदम वापस आ पाए थे कि वो आवाज आने लगी, जिसकी खोज में वो लोग उस कमरे की ओर गए थे। सौमित को तो पहले लगा उसका भ्रम है और वो आवाज सिर्फ उसे ही सुनाई दे रही है, पर जब उसने अर्पित और प्रीतम की ओर देखा तो उसे यकीन हो गया। हर कोई खौफ में एक जगह टिका खड़ा था, मानो वो भूत से बन गए हों। शरीर कांपने लगा, शब्द मुंह से बाहर आने को तैयार ही न थे। तभी तपन चीखने लगा, वो सामने गैलरी की ओर देख रोने लगा। सबके रोंगटे खड़े हो गए, किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। सौमित, अर्पित, प्रीतम और गौरव ने जब गैलरी की ओर देखा तो बौखला से गए। खून से नहाई एक औरत रेंगते हुए दीवार के सहारे उनकी ओर आ रही थी।